हे व्हाट्सअप एवरीवन एंड वेलकम टू रियलमी डायरी। तो गाइस इस वीडियो में आपको शेप शिफ्ट ओएस का जो है रिव्यू करने वाला हूँ और ये एक ऑफिशियल रोम है। तो काफ़ी सारी ऑफिशियल रोम आ चुकी है हमारे डिवाइस के लिए और काफ़ी आ भी सकती हैं, ऐसा नहीं है। तो अगर आप इसे फ्लैश करना चाहते हो विदाउट फॉर्मेट कर सकते हो। वेंडर इसमें इंक्लूडेड है तो वेंडर को फ्लैश करने की ज़रूरत नहीं है। गैप्स भी इंक्लूडेड है तो गैप्स भी फ्लैश करने की ज़रूरत नहीं है। तो बाकी सब तो आपको पता ही होगा। सो बस गाइस वीडियो ज़रूर एंड तक देखना ये वाली और सो लेट्स बिगिन। तो गैप इसमें इंक्लूडेड है और पिक्सल लॉन्चर इसमें आता नहीं है, इसमें लॉन्चर 3 आता है। तो पिक्सल लॉन्चर यार मेरे को ज़्यादा बेटर लगता है, वो सबसे ज़्यादा बेटर जो है मेरे को पिक्सल लॉन्चर ही जो है लगता है। ओके तो अब चलते हैं सीधा अबाउट फोन में और यहाँ पर चलो पहले सेटिंग्स में देख लेते हैं। तो ये देख सकते हैं आपका इसका प्रीव्यू थोड़ा सा अलग है और थोड़ा सा मेरे को फ्लूइड एज जैसा लगता है, लेकिन आप फ्लूइड एज के आइकन्स देखोगे तो वो टेंट शेप में होते हैं। ओके तो यहाँ पर हम आ गए। तो यहाँ पर आपके डिवाइस के सारे कुछ स्पेसिफिकेशंस यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पर लीगल इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं और यहाँ पर मॉडल नंबर तो लिखा ही है और स्नैपड्रैगन 710 जो आपका प्रोसेसर और आपका रैम जो भी आपकी होती है 4GB 6GB वो। और अबाउट फ़ोन में आप देख सकते हैं एंड्रॉयड 11 है और शेप शिफ्ट OS का 2.5। तो ये एंड्रॉयड 11 है देख सकते हैं आप। और यहाँ पर कर्नल हम साइलेंट का यूज़ कर रहे हैं, इसमें बाय डिफ़ॉल्ट आता है, मैंने कोई कर्नल इसमें फ्लैश नहीं किया। साइलेंट का लीना इसमें आपको अवेलेबल मिलेगा और ऐसी लिनक्स स्टेटस जो है आपका जो है यहाँ पर एनफोर्सिंग देखने को मिलेगा। और सिक्योरिटी पैच हमें लेटेस्ट 5 अप्रैल का देखने को मिल जाता है। ओके तो ये बात होगी अबाउट फ़ोन की। ओके तो सेटिंग मेरे को थोड़ा सा अच्छा लगा यहाँ पर। ओके तो बात कर लेते हैं हम होम स्क्रीन की। ओके तो यहाँ पर कुछ फीचर्स हैं ऐसे होम स्क्रीन पे और क्लॉक वगैरह में भी आपको दिखाऊंगा। वॉच फेसेस भी काफ़ी अच्छे हैं। ओके तो आप लॉन्ग प्रेस करोगे और होम सेटिंग पे जाओगे तो यहाँ पर आपको लॉन्चर 3 की कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स मिल जाती है। आप यहाँ पर आइकन पैक भी लगा सकते हो, यहाँ पर सबसे पहले ऑप्शन में आइकन पैक लगा सकते हो। अभी डिफ़ॉल्ट है, कोई आइकन पैक डाउनलोडेड है नहीं। और काफ़ी सारी चीज़ें हैं इसी में से आप सजेशंस इनेबल कर सकते हो और मैं अभी आपको दिखाता हूँ, मैंने भी इनेबल कर रखे हैं। ये देखिए सजेशंस और ये ऊपर तो देख सकते हैं एट अ ग्लैंस यहाँ पर आपको वेदर्स वगैरह पता चल जाता है। तो जैसे मैंने इनेबल कर रखे हैं, आप सेटिंग्स में जाके होम सेटिंग्स में जाके ऑन कर सकते हो। ओके तो यहाँ पर अगर नोटिफिकेशन पैन की QS स्टाइल्स की मैं बात करता हूँ, स्टार्टिंग में जैसे आप फर्स्ट बूट कर लेते हो तो आपको ऑक्सीजन OS एंड्रॉयड 11 का थोड़ा सा फील आएगा। उसमें वाइट और रेड होता है, इसमें वाइट और पर्पल था। तो वो एक थीम है, मैं आपको सेटिंग्स में बताऊंगा वो कहाँ पर मिलेगा आपको। बाकी अभी तो मैंने इसको डिफ़ॉल्ट कर दिया है, सब चीज़ डिफ़ॉल्ट, क्योंकि मेरे को OS 11 का ज़्यादा ठीक नहीं लगा, मेरे को ये वाला ज़्यादा बेटर लग रहा था। ओके तो यहाँ पर टाइल की बात करते हैं, काफ़ी सारी टाइल्स हैं और मैंने सभी जो मेन होती हैं हॉटस्पॉट ब्लूटूथ ये सब मैंने ऊपर रख ली हैं अपने मेन्स में। और ये जितने भी आप टाइल दिख रहे हैं हॉटस्पॉट ब्लूटूथ ये सभी वर्किंग है, कास्ट स्क्रीन भी। और रियलमी हब्स के कुछ फीचर्स हैं जो आपको अब नोटिफिकेशन टॉगल में भी जो है देखने को मिल जाएंगे, तो आप उसको ऊपर रख के आपने फ़ायदा उठा सकते हो उन सबका। ओके तो यहाँ पर ब्लूटूथ हॉटस्पॉट और GPS स्क्रीन कास्ट ये सब वर्क कर रहा है, कोई भी दिक्कत नहीं आती है। मैं यार कुछ पहले रूम्स में आया करती थी स्क्रीन कास्ट में, काफ़ी देर तक यूज़ करने पर फ्रीज़ हो जाता था, लेकिन ऐसा नहीं है। ओके तो यहाँ पर अब चलते हैं सेटिंग्स में और अब चलेंगे नेटवर्क की। अगर मैं बात करता हूँ तो नेटवर्क में कोई दिक्कत है नहीं, मैं एक्चुअली बता चुका हूँ आपको। और अब यहाँ पर हम शेप शिफ्ट की OS की सेटिंग्स में चलेंगे, मतलब कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स में। ओके तो ये रहा, तो यहाँ पर आपको पावर मेन्यू मिल जाता है, तो जो डिफ़ॉल्ट है पावर मेन्यू वैसे ही है। और यहाँ पर आप एडवांस रीसेट का एक ऑप्शन है, इसे इनेबल करने से आप डायरेक्टली जो है फास्ट फूड मोड में जा सकते हैं। एक्चुअली क्या है ना, वो मेरा पावर बटन है वो थोड़ा सा ख़राब हो चुका, डैमेज हो गया है, तो देख सकते हैं अभी आपने देखा होगा सेम बिल्कुल ऐसा ही आपको देखने को मिल जाएगा। ओके तो अब चलते हैं बैक और यहाँ पर आपको नेविगेशन अगर आप 2 बटन या 3 बटन इनेबल करते हैं ये आपके काम आएगा। ओके तो यहाँ पर वैसे तो काफ़ी सारी सेटिंग्स हैं और इसका लेआउट आप देख सकते हैं, कॉर्वस में भी ऐसा ही आता है। और एक इशू में अगर आपको बताऊं तो मुझे काइन मास्टर में थोड़ी प्रॉब्लम आता है। अभी मैं ये जो है वॉइस ओवर कर रहा हूँ तो ये मैंने फेस किया था, मैं आपको बताता हूँ कैसा है। ओके तो यहाँ पर आपको क्विक सेटिंग्स में जो है
वाइब्रेट ऑन टच, तो देख सकते हैं जैसे अगर मैं कोई भी क्यूएस स्टाइल टैप करूंगा तो उसमें वाइब्रेट ऑन टच आएगा। तो यहाँ पर जैसे मैं बात कर रहा था कि मैं आपको ऑक्सीजन वाइज का दिखाऊंगा कैसा बाय डिफॉल्ट मिलेगा, तो वो कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। लेकिन हाँ, अगर आप स्मॉल आइकन रखते तो मैं रिकमेंड करूंगा, अगर आप स्मॉल आइकन रखते तो आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। तो ये वाला जो है वो टिंट वाले के लिए, किसी किसी रोम में टिंट मेरे को ज़्यादा ठीक नहीं लगता, लेकिन शेप शिफ्ट ओएस में ठीक था, क्योंकि ऑक्टावी में मेरे शायद में टिंट यूज़ नहीं किया, मे भी था भी कि नहीं है मेरे को वो याद नहीं है। और नीचे अगर आपको रो कॉलम्स के शेप्स वगैरह चेंज करने हैं रो कॉलम्स, तो आप वहाँ पे चेंज कर सकते हैं ये वाले ऑप्शंस में। ओके, तो यहाँ पर अगर थीम्स के ऑप्शन में आपको यहाँ ऊपर प्रीव्यू भी देखने को मिल जाता है, तो यहाँ पर सारे स्टाइल एंड वॉलपेपर्स की रिक्वायरमेंट सभी यहाँ पर फुलफ़िल हो जाती है। तो यहाँ पर कलर्स हैं और यहाँ पर आप अपने जो शेप रख सकते हैं, जैसे अगर मैं अभी दिखाता हूँ इसको, मैं ये देखिए स्क्वायर हो जाएगा, ये देखिए यहाँ पे मैंने कहा था प्रीव्यू आपको दिखाता रहता है, तो ये स्क्वायर हो गया, ये थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा, तो इसको अभी हम डिफ़ॉल्ट कर देंगे, सॉरी डिफ़ॉल्ट नहीं है, मैं ये देखिए ये थोड़ा एंग्री बर्ड का येलो वाली जो बर्ड होती थी, और ये यहाँ पर जो है फील्ड, तो मैं फील्ड मेरे को सबसे बेहतरीन लगता है तो मैं इसको फील्ड यूज़ करता हूँ। और यहाँ पर आपके फ़ॉन्ट्स हैं, यार ये वाला फ़ॉन्ट्स मेरे को काफ़ी ठीक लगा, और टाइटेनियम में जो नोकिया प्योर था वो तो कुछ ज़्यादा ही बढ़िया लगा था मेरे को। ओके, तो यहाँ पर अब बैक चलते हैं, और हेडसअप में जो भी आपकी नोटिफिकेशन आपको अच्छी नहीं लगती आप उसे हेडसअप कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर अम्पल्स में अगर आप विजुलाइजर होते हैं वो आप इसमें आपको दिख जाएगा, अभी कोई मेरे पर म्यूज़िक प्लेयर है, अभी कोई स्पॉटिफाई भी नहीं है। ओके, तो यहाँ पर बैटरी ऑप्शन में सिर्फ आपको सर्कल का ऑप्शन मिलेगा, डॉटेड सर्कल का ऑप्शन है नहीं, और बाकी आप टेक्स्ट रख सकते हो, और बाकी आप इसे बैटरी परसेंटेज को आप इनसाइड कर सकते हैं बैटरी बार में और बैटरी सर्कल स्टैट्स में। और यहाँ पर आपको बैटरी बार मिल जाता है, लिटरली बताओ तो बैटरी बार नॉच वाले डिवाइस में ज़्यादा अच्छा लगता नहीं है, पंच होल होता है तो ठीक लगता है क्योंकि बीच में कट आ जाता है, इसलिए मेरे को तो बैटरी बार ठीक लगता नहीं है। ओके, तो यहाँ पर क्लॉक ऑप्शंस में आपको स्टेटस बार के जो क्लॉक होते हैं आप AM PM छोटा वगैरह लगा सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर है आपका मैं इसको डिसेबल करता हूँ नेटवर्क ट्रैफिक को, सॉरी इनेबल करता हूँ स्टेटस बार पे। ओके, शो हो रहा है। तो अगर आप इवोल्यूशन एक्स यूज़ करोगे जो मेरा बिल्ड है, तो उसमें क्या है आपको थोड़ी प्रॉब्लम आएगी नेटवर्क इंडिकेटर इनेबल करने में, आप डार्क थीम वगैरह चेंज करोगे तो आपको थोड़ा ठीक लगेगा, तो बस उस डार्क थीम चेंज करोगे और लाइट कर दोगे ऐसे कुछ करोगे ना तो ठीक हो जाएगा, पिछले इवोल्यूशन के वीडियो में था जो मैंने बताया था एक वीडियो में। तो ये आपका जो है आइकन्स है आपके स्टेटस बार के शो होने का। ओके, तो यहाँ पे लॉक स्क्रीन में आप इसको डोंट शो कर सकते हैं, डोंट शो करने के बाद आप एज लाइटिंग का बेनिफिट्स नहीं ले पाओगे, ये आपको पता होगा शायद से। ओके, तो यहाँ पर आप यूज़र इन्फो लगा सकते हैं, आप जो भी नाम रखना चाहते हैं वो आपको लॉक स्क्रीन पर शो होगा। ओके, तो यहाँ पर एम्बिएंट डिस्प्ले में, तो यार मेरे को ऐसा कुछ लग रहा है कुछ तो मिसिंग है यहाँ पर, शायद ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का ऑप्शन यहाँ पे भी होता था, मुझे ऐसा लग रहा है कुछ मिसिंग है, मैं भूल रहा हूँ, ठीक है पर देखते हैं और कुछ। ओके, तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कुछ बग्स तो मैंने जो फेस किया था, एक तो चार्जिंग का इशू था, चार्जिंग स्टक हो रही है, अभी मैंने इसके ऑफ डिवाइस स्पेसिफिक ग्रुप है उसमें मैंने सेंड कर दिया फ़ोटो, उसमें भी स्टक हो रही है चार्जिंग। ओके, तो बाकी तो ये मिसलिनियस है, और ये गेमिंग मोड, इससे शायद आप जो है गेमिंग आप बेहतरीन नहीं होगी परफॉर्मेंस वगैरह, नोटिफिकेशन और कॉल्स को आप ब्लॉक कर सकते हो, बस यही होगा ज़्यादा से ज़्यादा, मैंने यूज़ नहीं किया अभी तक। ओके, तो यहाँ पर अगर मैं बताऊँ, हाँ तो काइन मास्टर में मैं वॉइस ओवर करता हूँ, तो किसी किसी रूम में मैंने देखा वॉइस ओवर में इश्यूज आ रहे हैं, तो इसमें भी आया शेप शिफ्ट ओएस में, अब मैं दूसरी रूम भी इवोल्यूशन एक्स यूज़ कर रहा हूँ तब उसमें काइन मास्टर में वॉइस ओवर कर पा रहा हूँ, तो पता नहीं यार क्या इशू है। और चार्जिंग में भी स्टक हो गया, फ्रेंको कर्नल में यूज़ कर रहा था तो 0% 0 mAh की सप्लाई दिखा रहा था, तो मैंने शायद फ्रेंको का बग होगा, मैं थोड़ी देर बाकी देखता हूँ, फिर मेरी बैटरी 32% ही मिलती है। आप देख सकते हैं डिवाइस के स्पेसिफिक ग्रुपों का शेप शिफ्ट ओएस का, तो वहाँ पे मैंने फ़ोटो डाल रखी है। ओके, तो ये तो बात होगी, यहाँ पर मिसलिनियस चेंजिंग्स हैं और जनरल यहाँ पर हॉरिजन लाइट वगैरह और LED सेटिंग्स का तो हमारा कोई मतलब है ही नहीं। ओके, तो यहाँ पर आपको Realme का सेटिंग का ऑप्शन नहीं मिलेगा, ये आपको मिलेगा सिस्टम के ऑप्शन में। तो यहाँ पर आपको स्मार्ट चार्जिंग मिल जाता है, आप यहाँ पर ट्रिगर कर सकते हैं, आप चाहते हैं कि आपकी बैटरी जो है 97 के आगे ना जाए, 95 के आगे ना जाए, तो यहाँ पर आप कर सकते हैं। तो नीचे पॉपअप्स में आप देख सकते हैं, ये ऐसा थोड़ा सा इशू मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये
80 से स्टार्ट होता है और फिर यहाँ पर 900, फिर 80 से स्टार्ट होता है, तो मे बी 80 से ही फिर आप दोबारा चार्जिंग कर सकते हो, ऐसा सीन होगा पॉपअप में। आप एक बार ट्राई करके देखना, मैं स्मार्ट चार्जिंग ही है, मैं रियलमी सेटिंग यूज़ ही नहीं करता लिटरली। ओके, तो यहाँ पर अब चलते हैं हम सेटिंग्स में और देखते हैं हमें पासवर्ड सिक्योरिटी में क्या देखने को मिल जाता है। ओके, तो यहाँ पर एफ पी चेक कर लेते हैं, क्योंकि एफ पी तो अच्छे से काम कर रहा है। तो मैं ये स्टेटस बार डबल टैप ऑफ स्क्रीन इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा अब मेरा पावर बटन है वो डैमेज हो गया है, वो अच्छे से काम नहीं करता है, तो इसीलिए मैं डबल टैप टू डबल टैप पावर बटन का कैमरा डिसेबल रखता हूँ। ज़्यादातर क्या होता है, मैं सिंगल टैप करता हूँ वो डबल टैप हो जाता है। ओके, तो यहाँ पर फेस अनलॉक भी एक बार ट्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं ऐप लॉक दिखाता हूँ आपको। ऐप लॉक में फ़ीचर यह है, अगर आप कोई भी ऐप है उसको लॉक करना चाहते हैं तो वहाँ से आप नोटिफिकेशन भी ब्लॉक कर सकते हैं ऐप लॉक के साथ साथ। जैसे इंस्टाग्राम है और मैं इसे लॉक कर देता हूँ नोटिफिकेशन, तो मेरे पे भी कोई भी इंस्टाग्राम का कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आएगा। तो ये एक अच्छा फीचर है, आप इसको यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं फेस अनलॉक ऐड कर लिया है और फेस अनलॉक काफ़ी अच्छे से काम कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है फेस अनलॉक में। तो मैं टेस्ट नहीं कर सकता क्योंकि हाँ अनलॉक नहीं हो पाएगा अभी, लेकिन मैं अनलॉक ट्राई कर चुका हूँ, फेस अनलॉक काफ़ी अच्छे से जो है काम कर रहा है। ओके, तो यहाँ पर मैं एक चीज़ दिखाता हूँ, आप लॉन्ग प्रेस करोगे होम सेटिंग पे तो यहाँ पर वॉच फेसेस काफ़ी अच्छे वाले, तो ये काफ़ी अच्छा लगता है अगर आप इसे रन करेंगे यार सबलाइम टेक्स्ट पे, तो ये आपको आउटपुट में डेट टाइम और डे दिखाएगा, डेट टाइम और डे, हाँ ये आपको तीनों प्रिंट करके दिखा देगा, तो ये काफ़ी अच्छा भी है। और बाकी एक फ्लूइड वेस का भी है मेरे ख्याल से इसमें अवेलेबल है। ओके, तो अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं बैटरी की। तो बैटरी, अगर मैं आपको बैटरी की स्टेट दिखाऊं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरा जो बैटरी एक्टिव ड्रेन है वो हम इस रोम में हमेशा 10 प्लस रहा है, हमेशा 11 12 भी पहुँचा है, हमेशा 10 प्लस रहा है। और जिस दिन आई थी उसके शाम को ही मैंने रोम फ्लैश कर ली थी, तब भी हमेशा 10 प्लस ही रहा है और मैं काफ़ी बार चार्ज भी कर चुका हूँ। चार्जिंग भी थोड़ी स्लो देखने को मिल रही है, पता नहीं यार क्या सीन है, देखते हैं शायद अगले बिल्ड में ऐसा ना मिले देखने को। एक्टिव ड्रेन ज़्यादा और आइडियल ड्रेन भी एक के करीब पहुँचने ही वाला है, बस धीरे धीरे ये भी बढ़ रहा है, तो पता नहीं यार ये मेरे को खास ठीक नहीं लगा। लेकिन इस रोम को यार यूज़ करने में बहुत मज़ा आ रहा है, बैटरी ठीक नहीं है ये बात ठीक है, लेकिन यूज़ करने में मज़ा बहुत आ रहा है। कभी कभार मैं बस स्क्रोल करता रहता हूँ, बस यार ये बैटरी ठीक होती तो ज़्यादा ठीक रहता, बस कभी उस स्वाइप अप स्वाइप डाउन में ऐसे ही करता रहता हूँ, सेटिंग्स में जाता हूँ और स्क्रोल करता हूँ और होम पे चला जाता हूँ, बंद कर देता हूँ, तो बस ऐसे ही करता रहता हूँ। मुझे मज़ा बहुत आ रहा है इस रोम को यूज़ करने में, बस बैटरी का थोड़ा डिसएडवांटेज रहा है और एक्टिव ड्रेन पता नहीं क्यों इतना ज़्यादा है। और गेम्स मैंने खेले नहीं, विदाउट गेम का है ये, मे बी अगले अपडेट में शायद ये फिक्स हो सकता है। तो यहाँ पर अब बात कर लेते हैं कि मैजिस का CTS आपको फिक्स देखने को मिलता है या नहीं है। तो मैंने वैसे मैजिस इंस्टॉल कर रखा है 21.4 वाला, लेटेस्ट वाला नहीं है क्योंकि मेरे पे पहले से डाउनलोडेड था। ओके, तो एक मिनट, तो यहाँ पर ये मेरे को कह रहा है कि नॉट इंस्टॉल्ड। ओके, तो अब हम यहाँ पर ट्राई करते हैं मैजिस नया वाला फ्लैश करेंगे, जो लेटेस्ट आया 20.1 आया है, लेटेस्ट आ गया, तो उसको फ्लैश कर लेते हैं। तो मैं बताता हूँ, लिटरली आपको बताता हूँ कैसे डाउनलोड कर लेना, मेरे को यार बार बार पूछना कि मैजिस कैसे डाउनलोड करना है, ये नहीं है, मैं आपको सिंपल बताता हूँ कैसे आपको डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। अगर आप मेरे ग्रुप में होगे, गूगल पे भी लिख सकते हो यार, मैंने ऑक्सीजन इसके वीडियो में बताया। ओके, तो अगर आप मेरे ग्रुप में होगे टेलीग्राम ग्रुप में, तो आप यहाँ पर नोट्स चेक करना, नोट्स सीधा क्या हैश आपको मैजिस क्लिक देना है, ठीक है। तो वैसे आपको लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम ग्रुप का, तो यहाँ पर लिखना आपको हैश और मैजिस्क, तो यहाँ पर हैश मैजिस्क लिया और एंटर कर देना, सेंड कर देना, तो यहाँ पर आ जाएगी फाइल्स। तो यहाँ पर लिखा क्लिक हेयर टू डाउनलोड, तो जैसे आप क्लिक हेयर टू डाउनलोड पर टैप करोगे तो यहाँ पर आपको नीचे देखिए 22.1 लिखा है, यहाँ पर आपको नीचे सेट का ऑप्शन मिल जाएगा, आप इस पर टैप करना तो यहाँ पर आपको APK फाइल मिल जाएगी और यहीं पे ही हर वर्ज़न का जो है अनस्टॉलर भी होता है। ओके, तो यहाँ पर मिल गया APK फाइल, अब इसको हमें करना क्या, रीनेम करना है, तो मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। तो ओके, ये हो चुका है और अब मैं जाऊंगा अपनी फाइल मैनेजर में, तो ये रही मेरी 22.1, इसको मैं सिंपल रीनेम कर दूँगा .apk हटा दूँगा और zip लगा दूँगा यहाँ पर, तो ओके करता हूँ। अब मैं इसको टैप करूँगा तो यहाँ पर फाइल्स देखने को मिल जाएगी, ऐसे ही हर रोम्स में
आप वेंडर चेक कर सकते हो कि वेंडर अवेलेबल है या नहीं है। तो अब क्या करना है, अब हम सीधा जाना है रिकवरी में। ओके, तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ कैसे आपको रोम इंस्टॉल करनी है। आपको वाइप में जाना है और मैं यहाँ पे करके नहीं दिखा रहा, सिर्फ मैं आपको स्टेप्स बता रहा हूँ। आपको ऊपर के पाँच जो है सेलेक्ट कर लेने और स्वाइप करना है, ठीक है। और विदाउट फॉर्मेट कर पाओगे, अभी पहले मैं आपको सिर्फ फ्लैशिंग गाइड बता रहा हूँ, फ्लैश नहीं करूँगा। तो ये जैसे ये पाँच है, तो ऊपर के पाँच में सेलेक्ट कर दिए और स्वाइप कर दूंगा क्योंकि इसमें वेंडर इंक्लूडेड है, ठीक है। तो ये अब इसको इंस्टॉल पे जाऊंगा और जहाँ पे मेरी रोम है उसको मैं सेलेक्ट कर लूंगा। तो ये मेरी डाउनलोड में, तो ये रही शेप शिफ्ट ओएस। तो इस पर मैं टैप करूंगा और स्वाइप कर दूंगा। स्वाइप करने के बाद सक्सेसफुल हो जाएगा। यहाँ पर रीबूट सिस्टम लिखा आता है नीचे बॉटम में, वहाँ पर टैप कर देना, आपकी रोम जो है बूट हो जाएगी। ओके, तो अब यहाँ पर हम सिर्फ मैजिक्स बताने, यहाँ पर देखिए मैं ऑफिशियल TWRP यूज़ कर रहा था, तो आपको भी ऑफिशियल TWRP यूज़ करनी है, ठीक है। तो अब यहाँ पर मैजिक्स की बात करते हैं। इंस्टॉल में गए, जहाँ पे आपकी मैजिक्स फाइल है, ये मेरी एरी 22.1, इसको मैं टैप करूँगा और स्वाइप कर दूँगा। ओके, तो ये फ्लैश हो जाएगा और सीधा हमें करना क्या है, अब हमको रीबूट सिस्टम कर देना है, ठीक है। तो ये हो जाता है फ्लैश ही। ओके, तो ये फ्लैश हो गया, अब हमें सीधा रिबूट सिस्टम कर देना है। तो अब जब हमारा डिवाइस रिबूट हो जाएगा, तो हमारा डिवाइस जो है बूट हो चुका है। और यहाँ पर अब मैजिक्स में हम चेक करने वाले हैं कि CTS फिक्स्ड मिलता है या नहीं मिलता है। ओके, तो ये रहा। तो यहाँ पे ये कह रहा है नॉट इंस्टॉल्ड है, वेट। तो यहाँ पर एक बार मैंने जो है मैजिक्स हाइड भी किया था, तो मैं दोबारा से चेक करता हूँ, ये मेरी हाइड फाइल है, हाइड वाला। तो मैं इसको यहाँ पर ओपन करता हूँ, तो देखते हैं इसमें 21.4 हमें इंस्टॉल मिलता है या फिर 22.1। इसको परमिशन ग्रांट कर देते हैं। ओके, तो ये ओपन हो चुका है और इसके अंदर देखते हैं तो 22.1 ही यहाँ पर इंस्टॉल देखने को मिलता है। तो अब यहाँ पे CTS चेक करते हैं। तो CTS मेरा फिक्स्ड इसीलिए है क्योंकि मेरा मैजिक्स हाइड जो है इनेबल कर रखा है मैंने, मैजिक्स हाइड में सेटिंग में जाके मैजिक्स हाइड मैंने इनेबल कर रखा है, इसलिए जो है ये यहाँ पे मेरा CTS पास्ट दिखा रहा है। सो बस गाइस, आज की वीडियो में इतना ही। और अगर आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना। रियलमी 3 प्रो के लिए ऐसी वीडियो आती रहती है। सो बस गाइस, आज की वीडियो में इतना ही, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में।